हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और ये बिल्कुल फ्री है, और उसके बाद बेल का आइकन प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। तो हम लोग सीखेंगे कौन सी कमांड, प्रॉम्प्ट। ठीक है, पहले इसका नाम था डॉस। क्या चीज़ था? डॉस, एमएस डॉस। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। एक कंपनी है, इसका ओनर कौन है, मालिक कौन है? बिल गेट्स। सुना है नाम? तो पहले इसका नाम था डॉस, जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो विंडोज एक्सपी चलता था। स्कूल वगैरह में अभी भी चलता है विंडोज एक्सपी। अभी तो विंडोज 10 चल रहा है ना, विंडोज 10 है, समझ रहे बात से? तो ये विंडोज 10 चल रहा, पहले एक्सपी चलता था, विंडोज 8 इससे नीचे हो गया, विंडोज 7, समझ रहा है ना? तो इस समय विंडोज 7, 8, 10 इस सब में इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। और एक्सपी में भी हम लोग बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, सॉरी एक्सपी में भी क्या नाम है इसका, कमांड प्रॉम्प्ट। और विंडोज 98 उससे नीचे एक होता है ना, उसमें इसका नाम था कौन सी, एम एस डॉस। तो इसका दोनों नाम है, एम एस डॉस या फिर कमांड प्रॉम्प्ट, क्लियर है ना? तो ये विंडो 10 है, तो इसमें खोलने का तरीका क्या है? ठीक है, अगर मान के चलो हम लोग काम करना चाहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है, तो कैसे उसको खोलेंगे? अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट में क्या है कि ये एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ रहे बात को? एक होता है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने GUI का मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग टाइम देख सकते हैं, समझ रहे बात को? यहाँ जाएंगे तो डेट भी दिखा रहा है ना, देखो डेट टाइम। तो GUI ग्राफिक हो गया, मैंने ग्राफिक के थ्रू सब कुछ देख सकते हैं फोटो के थ्रू, है ना? लेकिन CUI मैंने कमांड यूजर इंटरफेस, यानी कोई भी काम को देखना या करना है तो हमको कमांड डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमांड डालना पड़ेगा, है ना? जैसे डेट देखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? डेट। अगर टाइम देखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? टाइम, समझ रहे बात को? और यहां तो हमको लिखने की जरूरत नहीं, यहां तो सामने चल रहा है, आ रही बात समझ में? तो ई हो गया ई GUI। विंडोज 10 क्या है? GUI। और कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? CUI। बस समझ में आ रहा है ना? इसको लिख लो हो सके तो। एक है कौन सी? GUI। ये हो गया विंडोज 10। विंडोज 10, 7, समझ रहे बात को? 8, ये सब क्या है? विंडोज सॉरी GUI। और CUI क्या है? MS DOS, या इसी का दूसरा नाम क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट, शॉर्ट में CMD भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CMD। तो ये हो गया CUI। और GUI कौन है? विंडोज 10, 7, 8 और XP। विंडोज 98 भी है, तो ज्यादा लिखे नहीं है, शॉर्ट में ही दे दिए, ठीक है? तो इसमें कैसे काम करते हैं, ठीक है? अगर डेट देखना है, टाइम देखना है, तो किस तरह से देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो खोलने के लिए आना चाहिए। तो कोई भी चीज को खोलने के लिए इतना तो तुमको पता है कि कहाँ क्लिक करते हैं, स्टार्ट में। ये विंडो बटन भी बोल सकते हैं या फिर स्टार्ट बटन। इसमें क्लिक करो और यहाँ पर खोजो, यहाँ पर क्या करो? खोजो। इसको डाउन कर भी सकता है, देखो यहाँ से देखो डाउन हो रहा है ना, और यहाँ से नीचे जाओ, पूरा इसको नीचे लाओ, पूरा नीचे, और यहाँ मिलता है कौन सी? विंडोज सिस्टम, ठीक है? तो विंडोज सिस्टम में जाएंगे, यहाँ जाकर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर खुल गया, देख रहा है ना? फिर क्लिक कर तो छिप जाएगा। ये बटन बता रहा है, ये छोटा सा बटन देख रहा है ना, ये एक्सपेंड बटन है, ये बताता है कि इसके अंदर और भी कुछ है। इसको क्लिक करेंगे, और कहाँ क्लिक करेंगे? कमांड कंट्रोल पैनल में नहीं क्लिक कर रहे हैं, तो एक के जैसा देखने में लग रहा है ना, आइकन दोनों का अलग अलग है, तो किस में क्लिक करेंगे? कमांड प्रॉम्प्ट में। खुल गया, फिर से इसको खोलते हैं, एक बार बंद करते हैं, यहां से काट देंगे, ठीक है? यहां क्लिक करेंगे और कहां जाएंगे? इससे
नीचे कहां जाएंगे, विंडोज सिस्टम आगे कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा इसको ज्यादा कमांड अगर इसमें करना है, क्या करना है, ज्यादा कमांड है ना, अगर ऐसे डायरेक्ट क्लिक करेगा तो कम से कम कमांड कर सकता है, ठीक है, और ज्यादा कमांड को करना है तो इसी में राइट क्लिक करना होगा, क्या करना होगा, यहां दो को होता है ना लेफ्ट और राइट, तो राइट क्लिक करना होगा और कहां जाएंगे, और मोर के बाद कहां जाएंगे, रन है, रन क्या है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है ना, क्लिक करेंगे मैसेज आएगा, ठीक है, और क्या कर देंगे, यस तुम्हारा विंडोज 10 है ना, ठीक यस कर दो, खुला, लेकिन अब की बार यहां लिखेगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए यहां से पकड़ सकते हैं, ठीक है, और यहां से स्क्रीन थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज बड़ा कर सकते हैं, हुआ, छोटा करना फिर कहां जाएंगे, यहां पर जाके क्लिक कर देंगे, पहले का क्या था कि कंट्रोल प्लस इंटर करने पर क्या होता था, इसका स्क्रीन फुल होता था, है ना, अब नहीं काम करता है, अब सीधा नहीं, पहले एक्सपी वगैरह में, ठीक है, अब यहां से क्लिक करना पड़ता है, यहां से या मोड कमांड कर सकता है, एक तो मोड भी होता है, यहां क्लिक कर दो, खैर यही ठीक है, हो रहा है ना, ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, विंडो और सिस्टम 32 को हटा भी सकते हो और नहीं भी हटा सकते हो, ठीक है, काम करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाने के लिए हम लोग सीडी डॉट डॉट का प्रयोग करेंगे, क्या चीज का प्रयोग करेंगे, सीडी डॉट डॉट, यहां पर देखो इस तरह से है, ध्यान देगा तो, ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, सीडी डॉट डॉट, दुग है ना नाम, देखो विंडोज है फिर स्लैश है फिर सिस्टम 32 है, दुग है ना, तो फिर क्या करेंगे, cd डॉट डॉट स्लैश ऐसे, अब फिर से क्या दे देंगे, मैंने दो बार हो गया, समझ रहा बात को, देखो यहां cd और फिर क्या लिखेंगे डॉट डॉट और क्या देंगे स्लैश, स्लैश क्यों दिए, क्योंकि यहां पर ये हुआ एक नाम के लिए, यहां पर दो नाम है, एक है विंडोज और एक क्या है सिस्टम 32, दो का नाम है ना, तो यहाँ पर सीडी डॉट डॉट किसके लिए, एक बार विंडोज के लिए और डॉट डॉट किसके लिए सिस्टम 32 के लिए, फिर से डॉट डॉट, ठीक है, और क्या कर देंगे इंटर, हट गया, हटा कि नहीं, ठीक है, देखो दोनों नाम हट गया, अब सी बच गया ना केवल, यहां पर क्या बच जाएगा, सिर्फ सी प्रॉम्प्ट, क्या बच जाएगा, इसका नाम क्या है, सी प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट सी से कंपाउंड नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ, या सी प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट या फिर सी प्रॉम्प्ट, ठीक है, अब देखो हम लोग आगे सीखते हैं, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, तो अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं, इसमें इतना हम स्टॉप करते हैं इसको, ठीक है, इतना हम लोग सीख गए, अभी क्या है कि स्क्रीन को हमको क्या करना है, साफ करना है, ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ दिख रहा है बहुत सारा चीज दिख रहा है, सबको साफ करना है, तो साफ करने का होता है सी एल एस, मैंने क्लियर, सी एल मैंने क्लियर, एस मैंने स्क्रीन, और इंटर कर दो, सी एल एस कर इंटर, सी एल एस करके क्या कर दिए इंटर, तो क्या हो गया स्क्रीन साफ हुआ, समझ रहा बात को ना, अभी लिखवा देंगे, ठीक है, तो CLS से क्या हुआ स्क्रीन साफ हो गया है ना, अगर हमको कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करना है, क्या करना है बंद, तो एक तरीका हम लोग क्या सीखे, यहां से सीखे, ठीक है, लेकिन हमको यहां से क्या सीखे, कमांड के थ्रू बंद करना है, मैंने लिख के बंद करना चाहते हैं, है ना, तो क्या लिखेंगे जो बंद हो जाएगा, तो बाहर निकलने का क्या होता है एग्जिट, सुना होगा कहीं दरवाजा वगैरह में लिखा रहता है एग्जिट, हाँ, तो इसमें भी क्या ई एक्स आई और क्या कर देंगे इंटर, एग्जिट हो गए, तो दो कमांड हम लोग सीखे, एक सीखे सी एल एस जिसे स्क्रीन क्या होता है साफ, और एक सीखे हम लोग क्या चीज ई एक्स आई टी एग्जिट, एग्जिट माने
बाहर निकल जाना। तो हम लोग बाहर निकल गए ना, बंद हो गया, मैं बाहर निकल गया, ठीक है, तो दो कमांड हो गया। तो हम लोग कौन चीज़ सीखें, CLS सीखें और एग्जिट है ना, अब डेट सीखते हैं। तो डेट में क्या, आज का दिन जानने के लिए क्या लिखते थे, डेट और स्लैश और टी और इंटरप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर तुम देखो आज का डेट यानी दसवां महीना, पहले महीना दिखाता है, उसके बाद तारीख तब साल। कंप्यूटर में याद रखना, पहले महीना तब तारीख तब साल, और दिन कौन सा है, मंगलवार। सही, आज मंगलवार है। अगर मान के चलो हमको कल का जानना है, ये हो गया सिर्फ आज के लिए है ना, कल का जानना है तो हमको तारीख क्या करना होगा, कल का डालना होगा, ठीक है। तो अगर हमको चेंज करना है तारीख, ये आज का तारीख इसमें सेट है, समझ रहे हैं बात को, कल का तारीख अगर हमको चेंज करना है तो डेट लिखना होगा, सिर्फ क्या लिखना होगा, डेट, और क्या करना होगा, डेट लिख के इंटर। तो और यहाँ पर देखो एक छोटा सा फॉर्म जैसा आ जाएगा, पहले डेट लिखे और इंटर किए, तो यहाँ छोटा सा फॉर्म जैसा आ गया, यहाँ लिखता है इंटर द न्यू डेट, नया तारीख को डालें, क्या डालें, DD-MM-YY, DD मैंने पहले डेट डालें, ठीक है। तो डेट कौन सा है, कल 30 तारीख, तो 30 लिख सकते हैं ना, DD हो गया। उसका क्या चीज दे रहा है, बीच में डैश है ना, तो डैश दे दो, हो गया। मंथ, मंथ कौन सा है, 10 है ना जी, 10 हो गया। फिर क्या चीज बोलता है, डैश ईयर्स, ईयर्स कौन सा है, 2000, क्लियर है। इस तरह से इसके अनुसार यहां भर देना है, ठीक है, और क्या दबाना है लास्ट में, इंटर। इंटर दबाएगा तो फिर से कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, सी प्रॉम्प्ट बोलो चाहे कमांड प्रॉम्प्ट, आ गया ना। और हमको अगर जानना है अब हम लोग का कंप्यूटर में कौन सा डेट फिक्स हो गया, 30 तारीख, समझ रहे बात को। चलो अब फिर से हमको डेट जानना है, डेट का ये जो डेट डाले हैं उसका दिन जानना है कि 30 तारीख को, 30/10 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो डेट लिखकर क्या कर देंगे। तो यहाँ तुम देखो पहले 29 तारीख को मंगलवार दिखा रहा था ना जी, 30 तारीख फिक्स हो गया ना, तो कौन सा दिन दिखा रहा है। अब फिर से नीचे में फॉर्म आ गया, इंटर द न्यू, अगर भरना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर भरेंगे, और नहीं भरना है तो सिर्फ इंटरप्रेस कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ डेट के सिवाय कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं कि CLS वगैरह कुछ लिख देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ डेट ही लिखेंगे, और नहीं लिखना है तो इंटर कर देंगे, ठीक है। स्क्रीन साफ करना है तो CL, जैसे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 22 दिसंबर 2002, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, DAT, डेट लिखेंगे और क्या कर देंगे, है ना। अब बोलता है कि इंटर द न्यू डेट, DD-MM-, बोल रहा है ना, तो तीनों में से डेट कौन है, 22 है ना जी, तो शुरू में क्या देंगे, उसके बाद क्या देंगे, डैश, उसके बाद एमएम कौन है, दिसंबर, दिसंबर मैंने 12, दिसंबर नहीं लिख देना, 12-2000, क्लियर है। उसके बाद क्या कर देंगे, इंटर। अब दिन देखने के लिए तारीख डाले ना जी, उसका दिन देखने के लिए फिर वही चीज लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, तो फिर से वही चीज लिखेंगे, मैंने डेट लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ डेट, हाँ DAT, ठीक है। तो यानी सिर्फ पहला बार में डेट लिखे ताकि हम तारीख को भर सकें, और दूसरा बार में डेट कहाँ लिखें, कौन सा दिन था, जो तारीख हम डाले हैं उसका कौन सा दिन था, तो संडे था, यहाँ दिखा रहा है ना कि 22 तारीख दिसंबर 2002 को संडे था। अब फिर से अगर हमको कोई डेट जानना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे तुम मेरा देखो 4/3/1989, 4/3/1989, ठीक है ना, चौथा महीना नहीं, चौथा 4 तारीख, ठीक है, तीसरा महीना, साल कितना है, 1988 लिख लो, और उसका दिन बताओ, 4 की डेट हो गया, 3 ये मैंने मार्च 1989, 89 3 मैंने मार्च है, ठीक है,
चलो इसका दिन बताओ तो फटाक से, यहाँ इंटर करके साफ कर देते हैं। CL बहुत ही इजी है, डेट सही है। कब क्या करेंगे, इंटर में करेंगे, आज का थोड़ी देखना है हम लोगों को, हम लोगों को तो दूसरे तारीख को देखना है ना। ठीक, देखो इसमें माउस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, माउस की जरूरत नहीं। 4 तारीख, ठीक है, डैश, महीना कौन सा था, 3रा, ठीक है, उसके बाद डैश वा कहाँ दिया, डैश दीजिए, डैश 90 89, मतलब क्या हो गया इसमें, 4th तारीख, 3रा महीना, मैंने मार्च 1989, ठीक है ना। अब इंटरफेस कर दें, हो गया। अब दिन जानने के लिए फिर से और इंटर, कौन सा दिन था, सैटरडे, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। एक और अपना दोस्त का कोई तारीख याद है, डेट ऑफ बर्थ, चलो लिखो अपने से, 7 नवंबर, सात नवंबर 1987। चलिए यहां पर जब फॉर्म दिखाएगा, यहां पर जब भी ईला दिखाएगा, यहां तारीख ही डालना है और दूसरा चीज नहीं डालना है, दूसरा चीज नहीं डालना है, यहां से तारीख दिखाना, ये नहीं कि ऐसे लिख देना CLS, नहीं, कहां क्लियर है, नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा, क्यों नहीं काम करेगा, इसलिए नहीं काम करेगा क्योंकि यहां पर तो तारीख नहीं लिखना है, बस वो है कि नहीं। अब मान के चलो कि गिलास में पानी पीते हैं तो वहां भात नहीं बनाएंगे, तो यहां पर ही क्या है, इस जगह पर तो हम लोग को तारीख डालना है, अब वहां CLS थोड़ी ना काम करेगा, वहां सिर्फ तारीख ही डलाएगा, है ना, इंटर करना होगा और क्या, जैसे इंटर कर दिया, CLS काम करेगा, CLS सिर्फ किसमें काम करता है, सी प्रॉम्प्ट में, एग्जिट किसमें काम करता है, सिर्फ सी प्रॉम्प्ट में, दूसरा जगह पर नहीं। चलो हाँ, DAT, हम लोगों को 7 नवंबर का निकालना है, 1987 का नवंबर, मतलब 11 और डैश देंगे और 2000 और 1987 इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब दिन जानने के लिए डेट लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, कौन सा दिन बता रहा है, सैटरडे ही पड़ा ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत। अब बंद करना है तो क्या करेंगे, हाँ उसके बाद ये तो स्क्रीन साफ करने के लिए ना, हाँ माउस से नहीं, यहीं से, हाँ IT इंटर करो, कोई दिक्कत नहीं ना है,